नमस्कार संगवारी हो, सीजी संतोषी डिशेस अनलॉक शो में आप सबके स्वागत है। आज लेके आऊँ संगवारी हो पराठा की रेसिपी। अब ये पराठा रहा भी बनान हूँ रहर के दाना के, हरा रहर के। तो चलो फिर आज की रेसिपी ला शुरू करते हैं। अब ये जगले हम संगवारी हो 4-5 कली लहसुन है, अदरक है छोटे से, और 3-4 हरा मिर्ची है, मेथी के पत्ता है, हरा धनिया काट के रख ले हमें। अभी कर ले हमें थोड़ा से लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा से कम हल्दी पाउडर है, नमक है आधा चम्मच। अभी कर ले हो मिक्सी के जार, इमें रहर के दाना ला पीस ले बोला। अभी कर अदरक लहसुन हरा मिर्ची ला भी के साथ में पीस लेता हूँ यहाँ। आप मतलब पसंद हुई संगवारी हो तो आप मन अदरक लहसुन डाल सकते हो, अगर पसंद नहीं होगी तो आप मन अदरक लहसुन ला हटा सकते हो। अभी ला बढ़िया से पीस ले वो, अब देख सकते हो पीसे के बाद में किसे दिखा थे, बढ़िया से पीस आ गए हवे। अभी कर ले हम बड़े से बर्तन, इमें डाल देता हूँ। अभी कर अदरक के छोटे से टुकड़ा रही से, वो नहीं पिसा रही से वो अलग कर दे हम यहाँ। अभी ला बर्तन में पलट देता हूँ रहर जो पीस के रखे नौला। अभी करा डाल देता हूँ मैं हरा धनिया, मीठी भाजी थोड़ा से ले हम अभी डाल दे हूँ। अभी करा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ये भी डाल देता हूँ मैं यहाँ। अभी कर डाल देता हूँ मैं यहाँ 2 चम्मच गेहूँ के आटा बड़े चम्मच में। अब बढ़िया से इला मिला ले वो। अभी कर पराठा संगवारी बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगते। अब सब चीज़ ला बढ़िया से मिला ले हम यहाँ। अभी कर ले हूँ गिलास में 1 गिलास पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया से कर नरम आटा तैयार कर ले वो। पानी ला थोड़ा थोड़ा करके ही डाल लेना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाए। मतलब बढ़िया से नरम आटा तैयार कर ले वो। इस रोटी पर सांथन संगवारी बस इतनी पानी हमारा सान लेना है। अब रहर के पराठा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगते, तो एक बार ज़रूर आप मन है बना के देखो। और थोड़ा से पानी और डाल दे हम यहाँ। अभी कर संगवारी देख सकते हो बढ़िया से सॉफ्ट आटा बन के तैयार है। अभी ला 5 मिनट बार रेस्ट करे बार रख देता हूँ मैं यहाँ, और बाद एक मस्त पराठा बेल लेबो। अभी कर 5 मिनट हो गए है, अब आटा अच्छा से सेट हो गए है, देख सकते हो आप मन हाँ। अभी कर ले हम यहाँ बेलना चौकी में बढ़िया से पराठा बेल लेबो। अभी करा मैं लोई तोड़ ले हम, आप मना छोटे बड़े अपन हिसाब से पराठा ला बना सकते हो। अभी करा सूखा आटा भी ले हम बेले बार, सूखा आटा लगा देता हूँ। अभी ला बढ़िया से हल्का हल्का हाथ से ही बेल लेना है। अब जल्दी से बन के तैयार हो जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। हमारी रेसिपी संगवारी हो आप मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगती तो आप मन हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। अभी करा मस्त बढ़िया से पराठा भी लागे है। आप मन हाँ पराठा ला चौकोन तिकोन आप मन अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ गोल ही पराठा बना था।
अभी करा पराठा हाँ बढ़िया से बेला गए हैं, ला मैं यहाँ प्लेट में रख देता हूँ। करा मैं यहाँ दूसरा पराठा भरा लोई ले ले हूँ। यही प्रकार से सबूर पराठा ला मैं यहाँ बेल लूँ कर बाद ही सेक लूँ हूँ। आप मन जाऊ तो एक एक करके भी सेक सकते हो पराठा ला एक एक बेलने के बाद में, मैं एक साथ बेले के बाद ही सेक लूँ हूँ। खबर की ज़्यादा कन तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही पराठा है और वजह से मैं एक साथ ही बेल के ला सेक लूँ हूँ। अभी करा मैं सूखा आटा लगा दे हूँ, इला भी बढ़िया से बेल ले हल्का हल्का हाथ से। अभी करा देख सकते हो सब पराठा ला मैं बेल ले हूँ, देख सकते हो आप मन हाँ। अभी करा तावा गरम करे बर रख दे रही हूँ पहले से, तावा बढ़िया से गरम होगी। अभी करा पराठा ला बढ़िया से सेक लेना है, तावा में डाल दे हूँ मैं पराठा। अब एक साइड है सिका गए है हल्का से, अवेला पलट देता हूँ, इमें डाल दे हूँ एक चम्मच तेल। आप मन अगर घी पसंद हो तो आप मन घी डाल सकता हो। अब बढ़िया से अलट पलट के दोनों तरफ ला बढ़िया से सेक लेना है अच्छा से लाल के होतला। देख सकते हो संगवारी हो कितना अच्छा से पराठा सिका है बढ़िया से लाल लाल। ये पराठा ला आप मन हाँ सब्जी के संग में, चाय के संग में, चटनी के संग में, अचार के संग में, आप मन ला जो में पसंद हो ही आप मन ये पराठा ला खा सकता हो और बहुत ही स्वादिष्ट लगती, तो एक बार ज़रूर आप मन हाँ बना के देखो। और पराठा बढ़िया से सिका गए अभी, मैं पराठा ला मैं निकाल लेता हूँ तो दूसरा पराठा ला सेक ले वो। यही प्रकार से सबों पराठा ला सेक लेना है। मैं डाल देता हूँ तेल, अब देख सकते हो जगह पराठा बिल्कुल बन के तैयार है गरम गरम। अभी गरम है सुबह को पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, ओकर साथ ही परस दे हूँ। तो धन्यवाद संगवारी हो वीडियो देखे पर।